Okay, so good morning. Today we are going to start with how to calculate standard deviation in case of continuous series. बेटे continuous series भी grouped data का ही part है. Difference क्या है? इसमें जो variable है वो class intervals में given है. 0 to 10, 10 to 20, ठीक है? तो हमें सबसे पहले continuous series में mid values find out करनी होती हैं ताकि हम variable को एक single value से represent कर सके, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना. तो मैं बोलूं 0 to 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है उसको मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना. तो 0 to 10 की मिड वैल्यू क्या आई? 5. तो 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, यस, ठीक है. सो जब हम उसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो इट अज्यूम्स द सेम फॉर्म एज दैट ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इजंट इट? वही फॉर्म आ जाती है, तो फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा. द ओनली डिफरेंस इज उसमें हम एक्स लिखते थे क्योंकि वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट होता था, इसमें हम एम लिख देंगे क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है, मिड वैल्यूज. सो राइट डाउन द फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला इज डायरेक्ट मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू डायरेक्ट या एक्चुअल मीन मेथड कहते हैं इसको, समेशन, स्पीक आउट, समेशन under the root. When would we make use of this method? When x bar is a whole number. Why not when it is in fractions? Pura wear your mask bete and be attentive. Bolo. Calculations will be difficult. Supposing x bar aa gaya 80.18. तो उसकी एक्स में से माइनस करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है बच्चे, करें स्टार्ट. क्वेश्चन 1, राइट डाउन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड. एक्सट्रीम लेफ्ट में बनाना बेटे और नैरो कॉलम्स बनाने हैं. ये आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, दीज आर दी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, राइट. सो फर्स्टली राइट डाउन दी फॉर्मूला बीनीथ दिस. स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स समेशन एफ एक्स m माइनस एक्स बार ओवर n अंडर द रूट. सो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू कैलकुलेट एक्स बार. एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल मीन मेथड है. तो पहला स्टेप क्या है, एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना, ठीक है. एनीवन हाउ टू कैलकुलेट एक्स बार? समेशन एफ एम ओवर समेशन एफ. सो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट एम मिड वैल्यू, 0 plus 2 upon 2. ठीक है, अब क्या करना है इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एफ इन टू एम. टोटल ले लेंगे समेशन एफ एम, भाई हिमांशु नॉट कमिंग प्लीज से. When to let go of the shirt for
Who is this? All right. So what is summation FM? Summation F 24 156 upon 24 comes out to be 6.5. Even though it is not a whole number, लेकिन 0.5 है, ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन करना ही है एक्चुअल मीन का, तो हम इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, 0.5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेविएशंस निकालनी होती मिड वैल्यू से, m माइनस x बार, वेर x बार इज 6.5। आदित्य आर यू डूइंग बेटे, आई विल जस्ट कम एंड चेक। Yes, 1 minus 6.5, 3 minus 6.5, 5 minus 6.5, 7 minus 6.5, 9 minus 11 minus 6.5. ऐसा ही है, ये दिस इज राइट। नाउ आई विल बी गिविंग यू वन टिप, जिसके पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एनीवन? सिंप्लीफाइड वर्जन, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, नो वन, ओके। हाँ जी, बिल्कुल, फिर 25 लगेगा पीछे, यस, ठीक है, वेरी गुड। सो दिस इज एम माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो जब भी हमने ऐसा स्क्वायर लेना जिसके पीछे 5 है, तो पीछे हमने 25 लगा देना बिना सोचे समझे, ठीक है। उसके बाद जो पहला डिजिट है क्या है, 5 माइंड में रखा, 5 में 1 ऐड कर दिया, 5 × 6, तो पॉइंट यहां पर लगेगा ना 30.25। आगे देखो, पीछे क्या लगा दिया, 3 + 1, 3 × 4, टाइम लगा कैलकुलेट करते, नहीं लगा ना, 5 का स्क्वायर 1 × 2, ठीक है। आगे कोरिलेशन है, उसमें भी ये हेल्पफुल होगा, 6.25। अब आपको बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, m माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को ये साथ मल्टीप्लाई करना, तो f m माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, f का कॉलम ये है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 30.25, 4 × 12.25, 14.5, 29, हाँ जी, 49, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 49.0, 2.25 × 6,
फोर इंटू 0.25 1.00, 2 into 6.25 12.50, 20.25 into 6 1 to 1.5. बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस, नहीं तो क्या करोगे, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे, फिर रफ पेज निकालोगे, फिर दोबारा से लिखोगे, तो वाई डुप्लीकेशन, ठीक है, पहले ही इसको ऐसे लिखो, जीरो आ गया लास्ट, 1, 2, 3, 4 times 5 है, 20 हो गया, 0 यहां आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 11, 14, 15, 17, 18 7, 11, 12, 13, 15 ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 258 आधी जनता तो सिर्फ देख के कर रही है, कर लिया आपने टोटल, करो ना, अलीन कर लिया आपने यहां तक बेटे, 258 आ गया, फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दें, टू फिफ्टी एट ओवर 24 अंडर द रूट, दैट इज क्या आएगा, डिवाइड करो, बुक से देख के मत बताई जाओ, होमवर्क किया आप सबने, कोई सम में प्रॉब्लम, टेन पॉइंट सेवन फाइव अंडर द रूट, सो बेटे अब तक आपको स्क्वेयर रूट निकालना आ जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बोर्ड से देख रहे हो, फिर नहीं आया होगा, 3 3s are 9 1 रिमाइंडर, पॉइंट का ऊपर पॉइंट चला जाएगा, पेयर उतर आएगा, 3 का डबल 6 6 2 से 2 से ही जाएगा, 2 2s are 4 6 2s are 12 124 you are left with 51 जीरो का पेयर क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है, 32 का डबल 6 8 is 48 8 से करके देख लेते हैं, 8 8 is 64 32 plus 6 38 48 plus 3 51 84 ज्यादा है, इसका मतलब 8 पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा, करके देखने की जरूरत नहीं है, 8 से पीछे तो 7 ही आना ना, हमें ये नहीं किसी को शो करना, हमने ये शो करना, तो ये आ गया हमारे पास, तो लीव इट, 3.27 इसको आगे करोगे तो 7 भी आ सकता है, तो आप राउंड ऑफ करके 3.28 फिर लिख सकते हो, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, यस आर्यन एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड करें, एज्यूम्ड मीन मेथड,
स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. डेविएशंस एज्यूम्ड मीन से लेंगे. फॉर्मूला वुड बी समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर लिखते थे ना, एक्स की जगह एम. सिर्फ डी भी लिख दो, एम ना भी लगाओ. डी मीन्स डेविएशंस. मैथ्स में आप जनरली ऐसे लिखते हो, समेशन एफ डी स्क्वायर, ठीक है, ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी एम अपॉन समेशन एफ होल स्क्वायर अंडर द रूट. दिस मेथड इज टू बी यूज्ड व्हेन एक्स बार इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है. सो बेसिकली अब आपके माइंड में कभी ये भी क्वेश्चन आता होगा कि मैम कह रहे हैं एक्चुअल तब यूज करो जब एक्स बार होल नंबर है, अगर नहीं है तो शॉर्टकट. तो क्या एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम होगा? पहले हम एक्चुअल मीन निकालें, नहीं आया फिर हम स्विच करें इस पे. सो व्हाट इज बेटर? मेक यूज ऑफ शॉर्टकट मेथड, ठीक है. बट सम स्टूडेंट्स फाइंड द फॉर्मूला डिफिकल्ट, और एज अ स्टूडेंट यू शुड नो ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. हमने सारे करवाने हैं बट प्रेफरेबली यूज शॉर्टकट अज्यूम्ड मीन मेथड इन एग्जाम्स. नो नीड टू फाइंड आउट एक्स बार होल नंबर. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्स बार होल नंबर है तो एक्चुअल मेथड ही यूज करना है. मतलब एक्चुअल मीन तभी यूज करो अगर एक्स बार होल नंबर है, ये रूल है. यानी कि होल नंबर है तो एक्स बार ही यूज करना है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मेंशनड नहीं है, एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा, ही साइलेंट अबाउट द मेथड, मेक यूज ऑफ अज्यूम्ड मीन. हाँ, अगर कंटिन्यूस में बेटे हमेशा कंटिन्यूस सीरीज क्लास इंटरवल में होती है तो कॉमन फैक्टर आना ही आना है. जितने की जो क्लास इंटरवल का साइज है ना, वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है. तो उन इन दैट केस मेक यूज ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड. वो भी हम आगे करेंगे, लेकिन राइट नाउ वी आर डूइंग अज्यूम्ड मीन मेथड. राइट डाउन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. एक्स गिवन है आपको, शॉर्टकट मेथड यूज करना. सबसे पहले मिड वैल्यूज, what will we do now? Assumed mean. Taking any value as an assumed mean, I'm taking 15. ठीक है. अब m में से assumed mean minus कर देने, यानी dm निकाल लेने. 5 minus 15, 15 minus 15. डीएम का स्क्वायर लेंगे, अब हमें एक तो चाहिए एफ इंटू डीएम और दूसरा चाहिए एफ इंटू डीएम स्क्वायर. तो पहले एफ इंटू डीएम बोलना ही ऐसे है तो पता चल गया एफ इंटू डीएम. टू इंटू माइनस 10, नेक्स्ट कॉलम कौन सा चाहिए? एफ इंटू
तो इसका स्क्वायर ले ले, नहीं क्यों नहीं लेना इसका स्क्वायर? दिस विल गिव अस एफ स्क्वायर डीएम स्क्वायर. व्हाट वी नीड इज एफ इनटू डीएम स्क्वायर. सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड डीएम स्क्वायर, वी हैव एफ, इनको मल्टीप्लाई 2 × 100 ठीक है. कुछ गलती लग रही है क्या? कहां पर? वेट, 10 × 100,000 ऐड कर लो. ठीक है, दीज आर दी स्टूडेंट्स हु आर नॉट जस्ट नोटिंग डाउन फ्रॉम दी बोर्ड. 5900 डिवाइडेड बाय 27, 270 होल स्क्वायर. बोर्ड पे देख ही जाओ. चलो जो मैं हमने लिखा है नोट डाउन करते जाओ चोरी छिपे. कर लिया आपने क्रिश? क्या आंसर है? हाँ ओके. किस 118.5 जी स्क्वायर रूट ले लो 118.5 का, देखो कितना आता है. अब आप स्क्वायर रूट खुद फाइंड आउट करेंगे. मैंने बहुत कैलकुलेशंस करी हैं आपकी स्क्वायर रूट की. नाउ यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑन योर ओन. कितना है? 10 आना चाहिए. 9 थोड़ी ना आना चाहिए. 10 का स्क्वायर 100 होता है बेटे सीधा, तो 10 से ऊपर आएगा. 10.88. जिनका भी नहीं हुआ कोशिश करिए खुद करने की बेटे. आंसर
रमनीक इज नॉट इन द क्लास टुडे.